अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पिछले हमारा जो वीलॉग था बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया, तो हम ये अपना वीलॉग नंबर 2 इस पे शुरू कर रहे हैं, सियासत और मईशत पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मुजम्मिल भी और मैं भी गुफ्तगू करेंगे, वो है जी करप्शन और मईशत। कि कैसे सियासत में जो करप्शन है और कैसे मईशत लिंक्ड है। ये बड़ा एक आम सा हमारे यहाँ हमारे जो दानिश्वर भी हैं और हमारे एक्स चीफ भी ये कहते थे कि जी आप अकाउंटेबिलिटी को छोड़े, करप्शन को छोड़े, आप मईशत पे तवज्जो दे। तो ये एक बड़ा खाम ख्याली है और बड़ा नैरेटिव भी कायम करने की कोशिश की जाती है कि देखे जी बहुत से मुल्कों में बहुत सी करप्शन होती है लेकिन वो तरक्की करते रहते हैं, उनके इकोनॉमीज को कुछ नहीं होता। लेकिन इसी बात को हमने आज प्रूव करना है कि वो कहते हैं करप्शन इज अ कैंसर विच डिस्ट्रॉयज इकोनॉमीज, जो मईशत को तबाह करती है, टैक्सेस द पुअर, गरीब लोगों पे टैक्सेस देती है, एंड किल्स द मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, जो एक माशरे की इकदार होती हैं उनको खत्म कर देती है, वो माशरा तबाह हो जाता है। इस वजह से करप्शन और मईशत का इकट्ठा साथ। मैं आपको बताती हूँ कि करप्शन में जो हमने प्रैक्टिकली देखी भी है या होते हुए, तीन टाइप्स की करप्शन जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, तो बहुत से टाइप्स की, मैं तीन टाइप्स की आप मेंशन करूंगी आज। एक है फाइनेंशियल करप्शन, सीधे सीधा आपको पता है जरदारी साहब का इंटरनेशनली क्या नाम था, मिस्टर 10%। हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट पे जो हुकूमत देती थी 10% लेते थे, सारी दुनिया में उसको मिस्टर 10% कहा गया, जिसकी वजह से आप देखें आज 15 साल हो गए हैं उनको सिंध पे हुकूमत करते हुए। सिंध की में सबसे ज्यादा पसमांदगी है, सबसे ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि सारा पैसा जो है ये करप्शन का ले जाते हैं और गरीबों को गरीब छोड़ देते हैं। फिर जी आप देखें जो शरीफ फैमिली है और उनका पनामा लीक्स में इतना पैसा था कि लीक हो गया, और वो आपने देखा कि जरदारी साहब ने सारे पैलेस खरीदा उस पैसे से, गरीबों का पेट काट के। इन्होंने एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाए और वो इतने ज्यादा थे, मोटरवे से लेके हर जगह आप देखें, ये फालूदे वाला जो है, ये चीनी वाला, इनके जो क्लार्क्स है उन उस पे अरबों रुपया निकला, और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस आता है, तो ये मुल्क गरीब हो जाता है, अपने ये कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ये है फाइनेंशियल करप्शन सीधी सीधी। दूसरी जो टाइप की करप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टीट्यूशनल करप्शन। करते क्या है, आते हैं अपने रिश्तेदारों को और अपने हवारियों को ये हर इदारे पे प्लेस कर देते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल, नैब अपना बंदा प्लेस किया, इलेक्शन कमीशन अपना बंदा प्लेस किया। 1100 अरब रुपया जो इन्होंने, इनके एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस थे, नैब को इन्होंने लॉ चेंज किया और नैब को बिल्कुल टूथलेस कर दिया। वो कहता है जी मतलब आप 1 अरब से नीचे तो करप्शन ही नहीं है, तो वो सारे केसेस माफ हो गए, सारे फ्यूजिटिव्स जो हैं वो वापस आ गए, सारे इश्तिहारी मफरूर आके यहाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, और आके इन्होंने मुल्क की मईशत को खाली कर दिया। पहले भी किया, अब दोबारा कर रहे। और लास्ट टाइप ऑफ करप्शन, जो मेन करप्शन जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है। ये करते क्या है, ये एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, बड़ी तजर्बा कार टीम है जी, ये इसको वापस लेके आए, और ये मेन जो होते हैं अखबार और एनालिस्ट और एंकर्स के जरिए नैरेटिव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो मेन हमारा अंग्रेजी का अखबार था, उसका जो रेजिडेंट एडिटर था, उसने इतने आर्टिकल्स लिखे हमारे खिलाफ, हम कहते रहे, वो कहते नहीं आप ट्रोल करें, फाइनली उसको इन्होंने अपना फेडरल मिनिस्टर एडवाइजर बना लिया। उसके अलावा आप देखें जो उर्दू के कॉलमनिस्ट थे उनको उन्होंने अपना सेनेटर बना लिया। जो आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड थे, जो करप्शन बताया करते थे, उनको उन्होंने एम्बेसडर बना दिया। तो इंस्टीट्यूशनल करप्शन ये होती है कि आप एक झूठ बोलने के लिए एक मशीन जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है और पढ़ी लिखी है उसको यूज करें। मेरे साथ बैठे हैं मुजम्मल असलम, और ये अब आपको बताएंगे कि किस तरह से आज इकोनॉमी इस करप्शन की वजह से गरीब के ऊपर एक एटम बॉम्ब की तरह पड़ रही है। जी मुजम्मल,
शुक्रिया अंदलीप, आपने बड़ा जिसे कहते हैं कि मुफस्सिल अंदाज में और आसान करके बताया कि करप्शन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पैसा पकड़ लिया, रिश्वत खा ली। करप्शन की जिसे कहते हैं इकसाम होती हैं, और वो आपने इकसामों को बताया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मिसालों में ट्रांसलेट करूँ थोड़ा सा। आज आपके वजीर आजम साहब जो है जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान की जो सैलाब की तबाहकारियां थी उसको बयान किया कि 1700 लोग जो है शहीद हो गए, इंतकाल हो गया, और जो है इतनी जो है हमारी फसलें बर्बाद हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। फिर उन्होंने एक बात बोली वहां पे, मैं कसम खाता हूँ, कभी कोई वजीर आजम इंटरनेशनल फोरम में कसम नहीं खाता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ और मैं कसम खा के आप सबको यकीन दिलाता हूँ, डोनर्स को बोल रहे हैं, वो आलमी इदारों को बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के जो लोग वहां पे वो थे रेसिपिएंट्स, उनको बोल रहे हैं कि हम इसका एक एक पैसे को जो है सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। क्या जरूरत पड़ गई ये बात बोलने की? आखिर आपको मैं ले जाता हूं, ये डेली मेल वाला केस 2005 में हमारे वजीर आजम पे ही कोई सैलाब जदगान की पेमेंट का मसला था। फिर इसके बाद 2009-10 में जो हमें प्लेजेस मिली थी, ये जो इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस जमाने में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें बाकायदा आलमी इदारों ने खुल के लिखा था कि जो प्लेजेस आई थी वो सही इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो एक तो जो है ना ये एक करप्शन है, फिर मतलब ये जिसकी वजह से वजीर आजम को कस्में खानी पड़ी। अब दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनली जो आपने एक बात की मोरल हैजर्ड की, मोरल करप्शन की, वो ये कहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा हम आपको क्यों दें, आपकी जो भी फ्लड रिलेटेड मसले या जो भी और इश्यूज आते हैं या टेररिज्म रिलेटेड मसले, आप उस पर डिसिप्लिन तो होते नहीं और आपका टैक्स पेयर जो है पैसे नहीं देता। तो हमने अपने मुल्क में इस तरह के कानून बना दिए, इस तरह की चीजें बना दी जिससे जो है आप अंदाजा लगाएं कि 23 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं, कितनी शर्म की बात है। और उसमें हमने एग्रीकल्चर वाले को भी माफ करा दिया, तो दुकानदार रिटेलर और होलसेलर को भी माफ करा दिया, प्रोफेसर और जो प्रैक्टिशनर्स और लॉयर उनको भी माफ करा दिया। पेंशनर भी दो तरह के होते हैं, एक आम मजदूर सा होता है और एक होता है रिटायर्ड जज जर्नैल, उन पे टैक्स नहीं है। अब उनकी पेंशन लाखों में है, 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने की आती है, उस पे टैक्स नहीं है, लेकिन 40,000 रुपए महीना कमाने वाले पे टैक्स है। तो दिस इज अगेन जो पॉलिसी साजी इस तरह की जाती है, ये भी एक मोरल करप्शन है ना, उसका पार्ट है। फिर रास्ते बना दिए कि बाहर से रेमिटेंस आएगी तो उसमें नो क्वेश्चन आस्क, इस तरह का। अभी आपके सामने जो नए लॉ पास हुए हैं नए, कि 50 करोड़ तक अगर करप्शन है तो उस पर कोई मतलब वो नहीं होगा, आप सवाल नहीं उठाएंगे। अगर उनकी बीवी बच्चों के पास जायदाद बन गई तो वो आंसरेबल नहीं होंगे। तो दिस इज अगेन करप्शन, दुनिया देखती है। इस पे IMF ने काफी तहफुजात का इजहार किया है। IMF ने अभी इस प्रोग्राम में 9th रिव्यू में बोला है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सबकी भी आप जो है ना सारी जो उनकी रिटर्न्स डिस्क्लोजर्स जो जो उनके हैं उसको डिक्लेयर किया जाए। तो द पॉइंट इज कि आज पाकिस्तान, अगर आप देख लें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान मुसलसल जो है 115 से 130 40 के दरमियान रहता है, और दुनिया के वो 150 ममालिक का ही लेते हैं। तो मतलब हम करप्शन में हमने तमाम हदें पार कर दी हैं। और सोने पे सुहागा ये कि आपके वजीर आजम साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जब से PDM की हुकूमत आई है पाकिस्तान में करप्शन का तस्वुर खत्म हो गया। आप सोचे, आप सर पीटने का दिल चाहे आपका। तो इसकी वजह से आज हमारा जो है टैक्स टू GDP कम है, ब्लैक इकोनॉमी, आपको मैं थोड़ा सा इसमें रिमाइंड कराता जाऊं, FATF करप्शन की पैदावार है ना, वो ब्लैक मनी होती है जो आपने रिश्वत से कमाई है या आपने टैक्स चोरी करके कमाई है या आपने जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग से इस्तेमाल में आ रही है और दूसरी चीजों में आ रही है। तो हम जो है मुसलसल 20 साल से बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में जाते रहे हैं और ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं एक आध दफा, अभी मुश्किल से निकले नहीं है आप देखें अंदलीप, और वही हरकतें शुरू हो गई हैं। आपका वजीर खजाना TV में बैठ के कह रहा है कि आपके बॉर्डर से डॉलर स्मगल हो रहा है,
FATF वाले आपको, मुझे तो लगता है कि अगर ये इसी तरह के बयान देते रहे तो वो फिर पकड़ लेंगे कि आपका वजीर खजाना कह रहा है आपके बॉर्डर से डॉलर जा रहा है, आपके एयरपोर्ट से डॉलर निकल रहा है, आपके स्मगलिंग हो रही है मुल्क में, फिर लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने आजकल जिस तरीके से बिगड़ा है। तो ये जो करप्शन की रूट्स है ना, ये माशी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, और फिर आपकी जिसे कहते हैं कि सेफ्टी तक पहुंच जाती है। और इंटरनेशनली आप वो आपको याद होगा बीच में फवाद चौधरी ने एक वर्ड यूज किया था, फ्रॉम टूरिज्म टू टेररिज्म, वो जो है दैट इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ द करप्शन। और अभी ये जो पंजाब में भी हो रहा है आपने देख लिया, आप तो खुद अप्रैल में मतलब विक्टिम रही हैं, जिस तरीके से वो करप्शन के पैसे को जो है पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुआ, जो मतलब लैंडमार्क सेंट हाउस की बातें होती रही, और अब वही बातें जो है सुनने में आ रहा है कि पंजाब में भी चल रही है। और फिर साइमल्टेनियसली अभी आजकल आप देख रही हैं कि छोटे सूबों में जो है लोगों को पार्टियों में दाखिल कराया जा रहा है। दिस इज ऑल, मतलब इसमें आप कहीं पे फाइनेंशियल करप्शन की बात कर सकते हैं, कहीं पे आप मोरल हैजर्ड की, मोरल करप्शन की, और कहीं पे इन सारों को जो कवर अप दे रहे हैं माशाल्लाह हमारा उस्ताद, मैं आप चाहूंगा कि आप भी बात कर लें, बस मुझे आधा मिनट दे दें। कल आपने अखबार देखा होगा, पाकिस्तान के जितने लीडिंग न्यूज पेपर थे अंग्रेजी या उर्दू, उनका फ्रंट पेज का आधा पेज पाकिस्तान की बदतरीन मईशत इस वक्त हालात है, बदतरीन। कोई एक चीज अगर आप कह लें कि अच्छी हो ना, तो वो आप मतलब बयान करें, उस पर उन्होंने आधे पेज का इश्तिहार दिया कि पाकिस्तान की मईशत जो है ना इकोनॉमी मूव कर रही है। तो ये इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है वो फिर हमारे जो जिसको हम कहते हैं आजाद मीडिया, उसके थ्रू, इश्तिहारात के थ्रू और ये तमाम चीजों के थ्रू मैनेज होता है, ताकि कोई बात ही ना कर सके। अभी ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें 8.5 अरब डॉलर कर दिया, उसमें आप असल तो बात यह है ना कि आपने ममालिकों से क्या लिया, फ्रांस जो होस्ट था 1 करोड़ डॉलर दिए, 1 करोड़ डॉलर, यूएसए जिसपे आपकी बड़ी उम्मीदें हैं 10 करोड़ डॉलर, इसके अलावा चाइना आपका बेस्ट कंट्री जिसने आपको हर दफा बेल आउट किया सिर्फ 10 करोड़ डॉलर, 100 मिलियन डॉलर। ये जो जितनी कंट्रीज हैं ईयू, जर्मनी, ये वो सारी मिला लेना, ये एक हफ्ता जो हमारा रेमिटेंस का है ना, फॉरेन रेमिटेंस जो एक हफ्ते में जो भेजते हैं बाहर, वो ज्यादा है। अब हुकूमत अपनी बेइज्जती बचाने के लिए कि जी वर्ल्ड बैंक ने कहा 2 अरब डॉलर, साथ ही आगे खबर कि उसमें से 1.7 तो पहले का कमिटेड है और 3 सालों में मिलेगा। इसी तरह से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 4 अरब डॉलर देगा, वो भी अगले 3 सालों में मिलेगा। तो एब्सोल्यूट फेलियर। और आपको पता है, मैं बात क्लोज करूंगा इस बात पे, कि यूके ने क्या है वहां पे एडवाइस दिया इस कॉन्फ्रेंस में कि प्लीज आप इंप्लीमेंट करें कानून को, अपने रिफॉर्म्स करें, दैट विल बी द रेमेडी फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान टू मूव फॉरवर्ड। ओवर टू यू। थैंक यू मुजम्मल, आपने बहुत ही तफसील और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ एक बहुत गहरे इशू को बहुत खूबसूरती से कूजे में बंद किया। देखिए बात क्या है, वर्ल्ड बैंक ने, और ये एफएटीएफ की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक ने कहा एक स्टडी में कि जी मनी लॉन्ड्रिंग जो कि करप्शन है की वजह से 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से सालाना बाहर मूव होता है। हम ये सारा कुछ मिला के IMF, ये सारे मिला के हमारे 6 या 7 बिलियन बनते हैं कर्ज के। इमेजिन करें कि अगर हम वही रोक लें 10 बिलियन डॉलर, तो हमें कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मसला क्या है कि एक करप्शन नेटवर्क है, ये सारे पार्टनरशिप करते हैं, ये सारे मिलके खाते हैं, इन्होंने सारे अपने नीचे हर इदारे के अंदर अपने बंदे भरे हुए। लेकिन अब अवाम खड़ी है, अवाम को पता चल गया, और अवाम जो है उसने तहैया कर लिया है कि जब तक कि ये सारे जितने हैं इनको एक एक करके हम इस करप्शन के नेटवर्क से बाहर नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो वीलॉग है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों हमने आखिरी वक्त तक करप्शन के कैंसर को निकालना है, तभी हम मजबूत और तवाना मईशत और एक खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।